बीजेपी का चल रहा है अपने कर रहे बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, और 10 साल की इस सरकार को जो इस सरकार ने लोगों के साथ वोट लेके छलावा किया है, इनको गिराने का काम कर रही है, इस सरकार के नेताओं को लोग जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जनसामान्य के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, कौन कहता है कि मेरा संसद विधायक जनता को परेशान करे। 10 साल हो गए हमने बहुत देखा, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहते हैं। इस बार तो कांग्रेस को देख रहे हैं, कांग्रेस और सपा गठबंधन। चुनावी चर्चा में हम आ चुके हैं बांदा जिले के नरैनी इलाके में, नरैनी क्षेत्र है। यहाँ अगर हम बात वोटर्स की करें तो ऐसी और मुस्लिम वर्ग का वोटर यहाँ ज्यादा प्रभावशाली है और जो चुनावी परिणाम है उसमें काफी असर भी डालते हैं। यहाँ में सुहावना मौसम है और इस मौसम में लोग बढ़िया ये होटल है जहाँ चाय और समोसा खा पी रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ जान ले कि क्या माहौल है और जनता का क्या मूड है। या क्या नाम है आपका, क्या चल रहा है, क्या चर्चाएं हैं? चर्चाएं के बारे में तो हमें भी नहीं पता है क्या चर्चा चल रही है। सर चुनावी चुनाव क्या कहाँ जा रहा है? मैं भी यहाँ का नहीं हूँ ना, मैं करबी का हूँ। करबी का है तो करबी और बांदा एक ही सभा ही तो है, तो एक ही सीट हुई। क्या आपके करबी में क्या चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है अपने कर रहे हैं, बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, लोग तो बड़ा कह रहे हैं कि जो है आर के पटेल को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पसंद करते, लेकिन पार्टी को तो पसंद कर रहे हैं। उसको नहीं पसंद कर, लेकिन पार्टी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, हाथी हाथी की चर्चा बड़ी तेज है। हाँ, उसकी भी चल रही है, उसकी भी चल रही है, उसकी भी चल रही है। उसे व्यक्तित्व चल रहा है, यानी कि उसका आदमी चल रहा है, वो पार्टी का नहीं चल रहा, लेकिन उसका व्यक्तित्व में चल रहा है, व्यक्तित्व में चल रहा है। तो क्या लगता है कि कौन जोर मारने वाला है? अभी तो ऊपर डिपेंड करता है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपके हिसाब से क्या? नहीं साहब, बीजेपी जा रही है। बीजेपी आपके हिसाब से आपका कहाँ जा रहा है? आपका कहाँ जा रहा है? कट्टर बीजेपी है ये। क्या किया चाहिए, क्या खासियत है? खासियत क्या है? जनता उनको चाह रही है कि कुछ कर रहे हैं, तभी तो उनको जनता जनता चाह रही है। आप क्यों चाह रहे हैं मुझे ये बता दो। हम भी उनको देख के चाह रहे हैं, क्या करें, क्या खासियत जनता तो बताएंगे। खासियत है कि सबको कारण यही कि वो सबको कर रहा है, सबके साथ में अच्छा कर रहा है। वो क्या आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आपका क्या जी, क्या नाम है? मेरा संजीव नाम है। अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी विधानसभा नारायणी से जो महासचिव हूँ। तो आप नेता जी हैं जी, मुद्दा क्या होना चाहिए इस समय? तो शीर्ष में मुद्दे चल रहे हैं, आप उस पर प्रकाश डालेंगे, और जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दा ये होना चाहिए? महंगाई जो है, महंगाई कम होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी नौकरी, इस मुद्दे में लोग वोट कर रहे हैं। और जो भी सरकार इस मुद्दे में स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी नौकरी, ये किसानों को, किसानों की चाहे समस्या हो, तो सभी लोगों को लेकर, चाहे किसानों की MSP हो, इस मुद्दे पे लोग सरकार बनाना चाहते हैं। और 10 साल की इस सरकार को, जो इस सरकार ने लोगों के साथ वोट लेके छलावा किया है, इस सरकार को घर देखने काम कर रहे हैं लोग। और यहाँ से जो प्रत्याशी है शिवशंकर पटेल, उनको जिताने काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। इस बार लोग मन बना चुके हैं। तो ये जो बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, जनता उसमें भाषण देने जा रहे हैं, संपर्क में जा रहे हैं, तो ये मुद्दे उठा ही कहाँ रहे हैं? मुद्दे क्या उठा रहे हैं? संपत्ति की जांच कराएंगे है? और ये तो सत्ता के लोग जो है, सत्ता के लोग क्योंकि डरे हुए हैं, उनके हाथ से सत्ता खसक रही है, अब वो लोग यही तो करेंगे। जो सरकार इनको गिराने का काम कर रही है, उस सरकार के नेताओं को ये लोग जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जब उनको जेल में डाल देंगे, जब ये लोग पूरी तरह से भय बना के लोगों के अंदर, कहीं EBM का, कहीं इस तरह का भय बना के लोगों का वोट लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बार इनके बहकावे में आने वाली नहीं। जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है, विकास के नाम पर वोट, बिल्कुल। भाजपा तो कह रही है हमने बहुत वोट किया, क्या विकास किया है भाजपा? ये बताए जमीन में क्या विकास किया है, किसानों के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है? ठीक है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनकी 25 साल उम्र है, वो डिग्री लिए घूम रहे हैं, आज 10 साल में उनकी 35 साल हो गई, 5 साल में उनकी उम्र खत्म होने को जा रही है। आवास दिया, शौचालय दिया, फ्री अनाज दे रहे हैं, शौचालय और आवास से ये विकास नहीं किसी का होने वाला है। जब तक 5 लाख तक की मुफ्त, 5 लाख तक की क्या दिया है? स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य की क्या हाल है? आप देखिए सरकारी में जो
दशा जो प्राइवेट में लोग जाते हैं, आज वहाँ सरकारी में दशा एक लोगों को टेबलेट नहीं मिलती। वहाँ डॉक्टर गया, पर्चा लिख दिया और सीधा उसको बाहर कि बाहर से जाइए अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और बाहर मेडिकल से दवा लीजिए, ये इनकी व्यवस्था है। अरे ये सरकार की बात नहीं है, ये यहाँ के जो सरकार के लोग बैठे हैं, ये जो हाथी घोड़ा से आए हैं घुस गए हैं, वो हाथी घोड़ा की बात, मैं सरकार की बात बताइए, जेन्युइन क्या मुद्दा है और क्या चल रहा है राज्य? यहाँ मुद्दा ये है कि सरकार बढ़िया है, वजनदार है, और ये जो भाई साहब बता रहे हैं एकदम खर्चा यार तुम बिल्कुल हमारू अब ये मोहिला आ गया था मोहिला बबूल बुधवार माल जब पाला पाला ना हो गई तो हो। ये सरकार में हमारी हो या किसी की हो, कुछ ना कुछ अराजक तत्व तो हो जाते हैं सांसद विधायक, तो इनके कार्य नहीं है ठीक। ये जनता को खुद परेशान करते हैं, कितना परेशान हो भला, इस बात के मैं साक्षी दे सकता हूँ। ये केवल अपना घर भरते हैं, बाहर नहीं जनता की बात सुनते हैं। नहीं अब ये लड़का जो कह रहा है कि डॉक्टर पर्चा लिख देता है रिफर कर देता है, ये यहाँ सांसद विधायक का काम है ना? बिल्कुल है ना, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वही तो मोदी जी को कहे, योगी जी को कहे, तो ये उनका दोष नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि अपने सांसद और विधायक को कहे, उन पे दबाव डाले कि आपके यहाँ व्यवस्था ठीक है। वो इतना कहते हैं कि इनके असर नहीं पड़ता, तो कौन कहता है कि मेरा संसद विधायक जनता को परेशान करे? माहौल जो हमारे देश का है लगभग बिगड़ चुका है, सामाजिक राजनीति को जातिवाद की राजनीति का रंग दे दिया गया है, जिससे हमारे देश में भाईचारा खंडित होती नजर आ रही है। सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको केवल अपनी जेबें भरने का शौक पड़ा हुआ है, और जो गरीब जनता है, गरीब जनता की जो थाली है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। मुद्दे चुनाव के यही है कि महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले और लोग नौकरी पे हो। क्या बदलाव की स्थिति बन रही है? पोजीशन तो है बदलाव की, क्योंकि जनता ऊब चुकी है, जनता ने 10 साल देखे हैं, 10 साल में अपने परिणाम को भी देखा है, और आज का जो माहौल है, खासतौर से मैं बांदा चित्रकूट जनपद की बात करता हूँ, बांदा में बहुत ही कम समय कम है, लेकिन बांदा की जनता बांदा का सांसद चाहती है। ये बताइए चुनावी माहौल क्या है और क्या अब की राजनीति के? चुनावी माहौल इस बार परिवर्तन जनता चाह रही है, हम तो भाई परिवर्तन चाहते हैं। आज की डेट में 10 साल हो गए, हमने बहुत देखा, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे जो ध्यान देगी उसी को हम वोट देंगे, क्योंकि ये सरकार अब ये सरकार बढ़िया थी, बढ़िया नहीं है। अब कौन आपको क्या लग रहा है कि कौन सा बढ़िया काम कर सकता है? अब इस बार तो कांग्रेस को देख रहे हैं, कांग्रेस और या सपा गठबंधन, इसी को हमारा विचार है। बताइए वर्तमान की राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस राजनीति जो है अच्छी नहीं है, इस समय जो नेता है, नेताओं की नीयत सबसे खराब है, वो अपना अपना पेट पालने में है, बगैर जनता का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर परिवर्तन होते रहेंगे तो कुछ इनको भी समझ में आएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? सोना यादव। क्या कहना चाहेंगे आज की राजनीति? आज की राजनीति ठीक नहीं है, परिवर्तन चाहते। वजह न कोई धंधा, महंगाई, बेरोजगारी, बस ये है जो बड़े आदमी है उनके 10-10 ठेला चलते हैं, बारू चलती है, अगर ये आदमी को कुछ नहीं, केवल 5 किलो गल्ला उसमें क्या कर सकते हैं, ये सब्जी ले लें उसमें आटा का कुछ नहीं होगा। राम मंदिर मुद्दा, फ्री आवास और गल्ला मुफ्त, 5 लाख का मुफ्त इलाज। नहीं, मंदिर तो हर जगह बने हैं, गांव-गांव बने हैं, गरीब लोग उनके लिए मुश्किल है सब मंदिर जाना, जिस जो रोज कमाई करते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए है सब। बदलाव इस बार जो है बिल्कुल बदलाव है। क्या नाम? उमेश तिवारी। क्या कहना चाहेंगे राजनीति? राजनीति के बारे में यही कहना चाहेंगे कि इस धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं,
बीफ कंपनियों से 250-250 करोड़ का चंदा लेने वाले हैं, इनको लात मार के इनको सिंहासन से नीचे उतारने का काम करेगी जनता, और जनता इस बार बदलाव करेगी। बहुत हो गया कि 10 साल से हम लोग जुमले सुन सुन करके पक चुके हैं, ना तो यहाँ पर शिक्षा की बात होती है, ना बेरोजगारी की बात होती है, ना बेरोजगारी दूर करने की बात होती है। जिन जिन गारंटी को लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, आज तक हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, सारे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, पहले इनके ऊपर चिटफंड, आपके क्या कहते हैं हेमंत बिस्वा पर चिटफंड का वो सीबीआई जांच करती है, जैसे ही भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वाशिंग पोस्टल पाउडर की तरह साफ। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी है, बिल्कुल सब साफ। अजीत पवार है, सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ का, जैसे भाजपा ज्वाइन खत्म। तो सारे भ्रष्टाचारी तो यही आ गए, तब भ्रष्टाचार कहां से होगा। इसके बाद और भी कई सारे मामले, इन्होंने कहा वो बेटियों का सम्मान, बेटियों का मान, अरे मणिपुर में नंगी घूम गई बेटियां, अब कौन सा रामराज चाहेंगे और किस पर विश्वास करेगी इन पर जनता, कि जिस देश में जहां पर मणिपुर में इनके क्या कहते हैं नंगी घूमती है, रहती, जहां पर भाजपा की सरकार है, क्या कर रही है भाजपा, 30,000 लोग बैठे हैं आपके क्या कहते हैं लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का क्या कहते हैं पूरा उसका मतलब ही खत्म कर दिया। अरे प्रोटेस्ट से, आंदोलन से ही आजादी की लड़ाई जीती गई थी, लेकिन इन्होंने उन सबको, इन्होंने सिर्फ एक ही चीज पर महारत हासिल कर रखी है, और वो है सिर्फ मीडिया आईटी सेल को पूरी तरीके से अपने अंडर में कर रखा है, जिस वजह से केवल ये जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ जनता तक सिर्फ वही पहुंचता है। तो क्या लगता है कौन से, कौन बढ़िया है इस बार सरकार, कौन सी आपको ठीक है, कौन बढ़िया करे सरकार इस बार, अगर देश का विकास चाहना है, देश को विकसित देशों में अगर गिना जाना है, आपको पता है, मैं आपको बता दूं हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर आ गया। ठीक है सरकार को बताइए, सरकार में बीजेपी को छोड़ करके कोई भी आ जाए, हम तो पहली बात यहाँ से हम प्रत्याशी को देख करके वोट करेंगे, हम यहाँ पर युवा प्रत्याशी चाहेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि विकास सिर्फ नेताओं की डग्गियों का हो, मैं चाहूंगा कि विकास सड़कों का हो, विकास विद्यालय का हो। तीन प्रत्याशी में कौन से, युवा प्रत्याशी एक ही है मयंक द्विवेदी, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये जनता, ये नरेनी की जनता का मूड था, और जो सभी ने अपने अपने मुद्दे यहाँ रखे और अपनी अपनी बात रखी, और ये तो परिणाम ही बताएंगे कि आखिरकार जो है जो चुनाव का रुख है वो किस ओर जाने वाला है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।